प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जिसके आए दिन शहर के कई वारदातें होती है, तो उस संबंधी पुलिस प्रशासन भी कह लो कि कमर कसी पई है। तो कह लो कि फगवाड़ा तो सुहानपुर की जी वारदात हुई है, उस संबंधी पुलिस प्रशासन वालों की कार्रवाई की गई, तो किन्ने बंदे अरेस्ट किया गया? कल सवेरे 9:15 बजे सानू एक इनफॉर्मेशन मिली सी कंट्रोल रूम राही कि लखन दे के पंडा पिंड हैगा सुबानपुर ते पैंदा है, इत्थे दो बंदे तीन बंदे बाइक ते आए हैं और आके इन्होंने एक दुकान से पैसे गन पॉइंट पे खो करन दी कोशिश की है और दुकान दे बाहर ये दो राउंड फायर करके उत्थों फरार हुए हैं। साड़ी सुबानपुर दी टीम SHO साहब और DSP साहब उत्थे मौके पे किसी और मौके को देखन रस्ते दे विच थी, जदों ही इन्हां नूं इनफॉर्मेशन मिली है उदां ही इन्हां ने अपनी गड्डी उन्हां दे पिछे ला ली और बकायदा बड़ी मेहनत और बड़ी दिलेरी नाल इन्होंने हॉट चेस करके वो तीनों बंदे राउंड अप किए मौके पर, है ना। वो बंदों ने गड्डी इन्हां दी गड्डी विच मारी बाइक, है ना, जिस करके उन्होंने थोड़ी बहुत चोटें भी लगी हैं और असी तीनों बंदे राउंड अप किया है। बाइक ये तीनों दोषी बाइक पर सी, पल्सर बाइक इन्हों को बरामद किया है। जब इन्हों असी राउंड अप किया, राउंड अप करन तो बाद इन्हों असी दो वैपन रिकवर किए हैं, एक 7.62 बोर का है, एक 7.65 MM का है, तो 32 बोर और 30 बोर का वैपन बरामद किया है। नाल असी 12 लाइव राउंड्स जड़े हैं इन्हों तो बरामद किए हैं और ये बंदे जड़े हैं तीन, जब इन्हों की असी आइडेंटिटी पता की तो इन्हों का नाम एक दीपक, दूजा बंदा परमजीत पम्मा, तीजा बंदा दलजीत, ये हमारे ना डिसग्रंटल डिफॉल्टर्स हैं। इन्हों के ऊपर टोटल ये सुबानपुर का पर्चा मिला के और फगवाड़ा की वारदात मिला के टोटल 26 वारदातें इन्होंने अब तक की हैं और ये बंदे कुछ दिनों पहले ना जन्माष्टमी की रात एक वायरल वीडियो होया सी फगवाड़े दे विच, जिथे तुसी देख सकते हो कि तीन बंदे जिन्होंने मुँह बंदे हुए सी हरगोबिंद नगर दे विच आके मेडिकल शॉप ते गन पॉइंट ते दुकानदार तो मेडिकल स्टोर वालों तो पैसे लुट के लै गए सी। ये वारदात भी साड़ी ये तीनों जिहड़े अक्यूज्ड हैं इन्होंने ही की सी और गन पॉइंट पर इन्होंने ये कबूलिया है कि ये वारदात इन्होंने अंजाम दी सी। मैडम जो आप गल करिए जिमें कि समाज में जो कि अज यूथ इधर जो कामों के ज़्यादा इनवॉल्वमेंट होंगी है कि शॉर्टकट रस्ता ज़्यादा अपना है कि लुट खो या इधर वारदात को अंजाम दे के कितने ना कि लगता ना कि समाज के सुधार होने की लड़ हैगी। जी वारदात की गल है इदा की वारदात है, तुम अगर देखोगे रिकॉर्ड तो उही बंदे करते हैं जोड़े बेल से वापस आते हैं क्योंकि उन्होंने नीयत और फितरत दोनों ही नहीं बदलती है। चोरी और क्राइम जड़ा है दैट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम, वो उन्होंने वास्ते सोर्स ऑफ इनकम है। तो असी ये तुसी देख सकते हो इना ये बंदे पिछे तीनों मिल के इन्होंने 26 इन्होंने ऊपर पर्चे दर्ज हैं, 26 पर्चे दर्ज है, ये ट्रेंड है वैपन से बिल्कुल वारदात। फिर इस करके असी इदा दे बंदे ना असी इन्हों का प्रॉपर तुसी देख सकते हो कि ना इन्हों राउंड अप करके असी बार बार ही चेक करते हैं बेल्ड आउट। हुण भी असी जब कल इन्हां दी शनाख्त की है तो सानू पता लगा ये पहले भी वारदात कर चुके हैं और खाली कपूरथले नहीं, इन्हां दे ऊपर पर्चे रामा मंडी बारादरी NDPS के पर्चे दर्ज हैं, कमिश्नरेट दे विच रहण वाले मकसूदा के हैं जलंधर रूरल इन्होंने वारदात की है, फगवाड़े की है, कपूरथला, तो पूरे के पूरे तुसी देख सकते हो रेंज प्लस कमिश्नरेट और होशियारपुर टांडा भी ये एक्टिव रहे हैं, इन्होंने पीछे बहुत वारदातें की हुई है। तो इदा के बंदे असी राउंड अप जरूर करते हैं ताकि ना कोई इनसिक्योरिटी ना आवे लोगों के बीच कि इदा की वारदात करके बंदा फरार घूम सके। वैपन कितों वैपन हूँ असं इन्हों रिमांड से लिया हुआ है, हूँ असं पूछगिछ करांगे कि कितों ये वैपन इलीगल इन्हों मुहैया हो रहे हैं, तो वो असं पूछगिछ करके जो भी कोई सानू सफलता मिलेगी तो ये हूँ तक असी ए बारे तस्दीक नहीं कर पाए कि ये नशे के आदि हैं कि नहीं, बस यस इन्हों के ऊपर NDPS के पर्चे पिछे दर्ज हैं तो ये आदि तो हूँ असी देखते हैं पर इन्होंने नशा बेचने के पर्चे जरूर हैं। मैडम जिस तरह ये इन्नी देर तो इन्ने पर्चे दर्ज से इन्नी देर तो पुलिस की ड्रिफ्ट तो जिदा ये बचे नहीं है, ये जरूर सजा कटके आए इन्होंने ऊपर 2020, 2015, 2017, 2021, 2024, 2023 हर साल पर्चे दर्ज हैं, तो कई बार हूँ ना इन्हों के ऊपर सैक्शन लगते हैं, ये बंदे जेल जाते हैं वापस ये बेल से आ जाते हैं।
ਮੈਡਮ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਅਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੇਡ ਆਊਟ ਸਨੈਚਰ ਚੋਰ ਔਰ ਰੋਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕੋਇਟਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਕੀਤੇ ਹਨ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਗੰਜਾ ਦੂਜਾ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਉਰਫ ਗੋਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀ ਇਹ ਐਕਟਿਵਾ ਸਨੈਚ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਅੰਜਾਮ ਕਰਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ 10 ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਖੋਈ ਹੈ ਸੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਜੇ ਢੂੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਯੈਸ ਇਹ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਵਾਹਨ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵਹੀਕਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਮੈਡਮ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 2023 ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੀਬ 2-3 ਸਾਲ ਸੇ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 13 ਪੀਪੇ ਰਿਫਾਈਂਡ ਘੀ ਕੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 9 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ ਹੈ ਪਰ 4 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਸਨੈਚਰ ਹੈ ਚੋਰ ਹੈ ਰੋਬਰਟਸ ਹੈ ਡਿਕੋਇਟਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਈਏ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਕਿਓਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕੇ ਮੈਡਮ ਜੋ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੇਂਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਾਂਗੇ